सबका दिमाग हंसाऊ का तरफ से एक मीडिया का मध्यम का तरफ से मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम लोग का दिमाग हंसाऊ डिस्ट्रिक्ट में जो अभी कुछ दिन में अभी जो बीमार फैल रहा है डेंगू से, तो उसमें हम लोग बासना है। हम उसमें हॉस्पिटल में भी विजिट किया है। तो अभी जितना भी जो ऐसे नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट होता है, क्या टेस्ट होता है, उसमें कमती निकलता रहा, लेकिन अभी ज़्यादा निकल रहा है। 50% से ज़्यादा अभी डेंगू पॉजिटिव निकलता है। तो इसमें हम रिपोर्ट लिया है, तो हफलोंग हॉस्पिटल 100 बेडेड है, तो उसमें बेड में भी फुल हो गया है। तो इसीलिए हम आशा करता कि ये डेंगू को हम लोग एक साथ मिलके काम करने से हम लोग ये डेंगू बीमारी से बच सकेगा और ये बीमारी को हम लोग जीत जाएगा। तो उसमें हम डॉक्टर लोग से बातचीत करने में, तो डेंगू जब सबसे ज़्यादा आज का दिन में हम लोग का हफलोंग में और माहूर में, तो उसमें हफलोंग में भी लोडी एरिया में थोड़ा कम है। हफलोंग थावन मोलोई चुम्पीजंग और कोना कोना में जो डेंगू इतना रात में भी मच्छर नहीं कमाता, दिन में ज़्यादा कमाता बोलता है, और साथ ही साथ इतना डेंगू उड़ने भी नहीं सकता। और डेंगू एक आदमी को मच्छर डेंगू जो मच्छर है वो खाटेगा, दूसरा आदमी को कोई को खाटेगा तब तो डेंगू लग जाता है। तो इसलिए ये डेंगू जंगल का जो मच्छर वो वाला नहीं होता है, स्पेशली टाउन में कोई का ड्रेन, कोई का फ्लावर का थोप में पानी रह जाता, तो इस सबको हम लोग क्लियर करके रखने से अच्छा रहेगा। और हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से जो जो हम लोग करने लगे वो करेगा। और स्पेशली मैं टाउन कमेटी का जो चेयरमैन और वहाँ का जो स्टाफ, उनसे भी हम कल बुलाया है, उनका मीटिंग करा है, और उसमें हम लोग का जितना भी माहूर हफलोंग माईबंग टाउन टाउन में जो गंदा ड्रेन है, जो गंदा पानी है, उसको क्लीन करके रखने से अच्छा रहेगा। नहीं से तो ये डेंगू से भी बहुत सारा लोग अभी हॉस्पिटल में है, और जो कमजोरी आदमी लोग हैं उनका लिए तो बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इसलिए हम आशा करता दिमाग हंसाओ का पहले कोरोना से भी हम लोग बासा है एक साथ काम करके, अभी डेंगू से भी हम लोग बासना है, और सरकार का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग पूर्ण काम करने के लिए स्टार्ट किया है। तो इसमें आप लोग कोई घबराना तो नहीं है, लेकिन सब मिलजुल के साफ सुथरा रखना ज़रूरी है, और ऐसा भी साफ सुथरा रखना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम भी आसाम में बा इंडिया में सबसे साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट रखने मांगता है। तो इसमें सबका मदद ज़रूरी है। डेंगू का डर से खाली सफा रहेगा वो बात नहीं, साफ सुथरा रहने से तो सबके लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हम बार बार बोलता है हफलोंग लेक में साफ सुथरा रखिए, बर्तन ना फेंकिए, आस में देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेचू हम लोग लगाया 1 साल भी नहीं हुआ है। जब ये सब स्टेचू का जगह पे कुछ गंदा कर देता, कुछ खा के फेंक देता, कुछ बोतल फेंक देता, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम लोग का हफलोंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो इसको साफ सुथरा रखना हम लोग का सबका दायित्व बनता है। ये देवोलाल गरलोसा, ये मोदी जी, ये हेमंत जी अकेला कुछ भी नहीं सकेगा साफ सुथरों में। तो स्वच्छ भारत मिशन करने से भी हम लोग एक साथ अगर नहीं सोचेगा, सोच विचार अलग नहीं होगा, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर में हम लोग लाने के लिए मुश्किल होगा साफ सुथरा में। आप लोग देखिए मेघालय माउलेनंग जगह पे दुनिया का लोग आता है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, खाली साफ सुथरा है, उसको देखने के लिए आता है। और हम लोग का हफलोंग में इतना सुंदर है, इतना वेदर अच्छा है, तो उनको हम लोग साफ सुथरा ऑल आसाम में बा ऑल इंडिया में रखने से तो टूरिस्ट लोग इतना आएगा, तो वो भी हम लोग सोचना है। क्योंकि लेक एरिया पे हम लोग सब मिलके काम किया है। अभी लेक एरिया पे शाम होने से आप लोग गाड़ी में बैठ के बियर बोतल, सुबह हम मॉर्निंग वॉक करता तो उसमें हम दिखाई देता है। तो ऐसा गंदा ना करें, क्योंकि अपना ही हफलोंग है, अपना ही जगह है, और स्पेशली इन फ्यूचर में हम लोग का बच्चा लोग का भविष्य अच्छा होने के लिए वही सब चीज़ थोड़ा कमती करने से अच्छा होगा। और बाहर का टूरिस्ट लोग भी आना शुरू होता है। अभी देखिए जो खोरंगोपू बोरो हफलोंग आई लव दिमाग हंसाऊ जो बना के रखा है, तो उसमें भी बहुत सारा लोग रात रात में जाके गंदा कर देता, बोतल तोड़ देता, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपना ही जगह है, अपना ही डिस्ट्रिक्ट है। और टूरिज्म अगर होने से,
किसके लिए लाभ होगा? सबको लिए लाभ होगा। कोई ऑटो ड्राइवर का लाभ होगा, कोई सब्जी बिक्री करने वाला लाभ होगा, कोई होटल चलाने वाला लाभ होगा, कोई वो वाइन शॉप का लोग माल लाभ होगा, उसके लिए हम लोग सोचना है। और ऐसा भी टूरिज्म बनो ना बनो, लेकिन साफ सुथरा रहने में तो अच्छा है। हम लोग जहाँ भी जाओ, टूरिस्ट लोग हो हम लोग भी हो, जो भी जगह में जाओ, कहाँ में साफ सुथरा है वहाँ में भी बैठने मांगता है। तो ऐसा वहाँ पे हम लोग का हाफलोंग है, तो डेंगू से भी बचना है, डेंगू से भी, और साथ ही साथ हम लोग का हाफलोंग का साफ सुथरा भी रखना है। स्पेशली हम लोग का माहौर हाफलोंग और उमरांगसो एरिया में भी बोलता है, ठावन ठावन में हम काल में डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे देगा आने वाला काल में। और जगह जगह से डिपार्टमेंट का, मलेरिया का डिपार्टमेंट से कहाँ में DDT पाउडर मारना है, जहाँ पे जो क्या क्या मारना है वो सब हम कर लेगा। और बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जो अपना अपना घर में हो, उसको क्लियर रखो। और डेंगू इतना उड़ने भी नहीं सकता, लेकिन कम से कम 2 फुट 3 फुट में उठ के मच्छर खाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सावधान रहे, सॉक्स पहनिए या कुछ सावधान रहिए, आप कैसा उसको बसेगा। अभी फिलहाल पहले माइबंग में बहुत ज़्यादा था, माइबंग में थोड़ा कम हो गया, अभी हाफलोंग और माहौर में ज़्यादा है। तो उसके लिए आप लोग का एक मैसेज हम दे रहे हैं मीडिया का माध्यम का तरफ से। तो हम लोग सब लोग एक साथ मिलके ये डेंगू से भी फाइट करके हम लोग ये बीमारी से बच सकेगा बोल के आशा है। थैंक यू।